दूसरा अध्याय नारद सनत कुमार संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? तात, वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, संगादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सबके सब ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों संगादि माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा है। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, वह बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुंचे। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है, इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख महातेजस्वी संकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदनंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिसने समस्त सराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पढ़ से भी पढ़तर हैं उन्हें परमदेव श्री राम को नमस्कार करता हूँ। जिनका निवास स्थान परमधाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप है, श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो इस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्री राम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृत कृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माह और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवा श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सुदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सत्य युग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सोदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सोदास ने गौतम से उन्हें उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सोदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम आ पहुंचे, परंतु सोदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को
उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे, विशिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांति बने रहे। उन्हें जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सोदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, किंतु सोदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से रुष्ट होकर उस पाप को सह न सके। उन्होंने सोदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कलापोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उससे किसके चरित्रों का वर्णन सुनने को मिल सकता है? महामते, यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सोदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्व काल में गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नाम के ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षी और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियां तथा लाल पीले शरीर वाले रक्त पाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन नरमास का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घूमता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया है। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा दिए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में आपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और ये बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर विश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है? जहां श्री राम का भक्त है वहां ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य है। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई।
कथा सुनाते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करुणों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, विप्रवरों, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातों को तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा सौगुना पुण्यफल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।